असलकम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ़ चैप्टर नंबर वन ये पिछले साल के पेपर में जो आए हैं पिछले कई सालों के पेपर में फ़ाइव ईयर पेपर्स में जो एमसीक्यूज आते रहे हैं मैंने उनको एक जगह कलेक्ट किया है और उनको सॉल्व किया है फ़र्स्ट एम सी क्यूज़ है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एस आई आर एस आई यूनिट में कितने ए, बेस यूनिट्स होते हैं ऑप्शन है थ्री सिक्स सेवन नाइन तो इसका राइट आंसर है सेवन आ, सेकेंड नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव यूनिट ये चार यूनिट दिए गए हैं इनमें से कौन सा डिराइव यूनिट नहीं है पासक फर्स्ट वन है पास्कल सेकेंड है किलोग्राम थर्ड है न्यूटन फोर्थ है वाट तो पास्कल न्यूटन और वाट जो हैं ये तीनों डिराइव्ड यूनिट है सिर्फ किलोग्राम जो है ये नॉन डेराव यूनिट है ये बेसिक यूनिट है थर्ड नंबर एम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेयर्ड इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो वो कौन सी है ग्राम किलोग्राम न्यूटन या मोल तो इसका राइट right ऑप्शन जो है ये है मोल डी ऑप्शन जो है ये इसका आंसर है ये मोल क्वेश्चन नंबर फोर है एन इंटरवल ऑफ टू हंड्रेड माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू टू हंड्रेड माइक्रो सेकेंड किसके इक्वल होती हैं ज़ीरो पॉइंट टू सेकेंड जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस फोर सेकेंड और टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस सिक्स तो ये टू इंटू टेन रेज टू पार माइनस फोर सेकेंड के इक्वल होता है साइंटिफिक नोटेशन में जब आप इसको लिखेंगे तो माइक्रो की जगह माइनस सिक्स आ जाएगा और ये प्लस टू है तो वो माइनस सिक्स माइनस फोर हो जाएगा नेक्स्ट वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इन इसमें से कौन सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जीरो पॉइंट ज़ीरो वन ग्राम टू मिलीग्राम हंड्रेड माइक्रोग्राम और फाइव थाउजेंड नैनो तो ये नैनोग्राम है टेन रेज टूपार माइनस नाइन ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेयर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक रहेगा मोस्ट uh, सूटेबल है मीटर रूल वर्नियर कैलिपर मेयरिंग टेप या स्क्रू गेज तो वर्नियर कैलीपर के जो अपर जहाज होते हैं ये इंटरनल डायमीटर यूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं ये हमने प्रैक्टिकल में भी किया था सेवन नंबर है स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ वायर एज़ वन पॉइंट जीरो थ्री टू सेंटीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट कि आप इसके साथ कितनी एक्सटेंट तक एग्री करते हैं तो नॉर्मली डेसिमल के बाद दो डिजिट्स टू डिजिट्स हम एग्री करते होते हैं मीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं एग्री तो हम एग्री ही हैं लेकिन ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है डेसिमल के बाद टू डिजिट्स तक तो वन सेंटीमीटर वन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर वन पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर और वन पॉइंट ज़ीरो थ्री टू सेंटीमीटर तो हम लेंगे सी ऑप्शन वन पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट ये तमाम एम सी क्यूज़ ये लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में आ चुके हैं इस वजह से इम्पोर्टेंट है इनको काइंडली पे योर फुल अटेंशन तो एट नंबर है अ मेयरिंग सिलेंडर इज़ यूज़ टू मेयर मेयरिंग सिलेंडर क्या यूज़ किस लिए यूज़ होता है क्या मेयर करने के लिए मैस फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड है एरिया थर्ड है वॉल्यूम फोर्थ है लेवल ऑफ अ लिक्विड तो हम मेयरिंग सिलेंडर वॉल्यूम मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट है नाइन नंबर स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट एक स्टूडेंट ने ग्लास शीट का थिकनेस नोट uh, किया उसकी रीडिंग ली यूजिंग स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल इट रीड्स थ्री डिवीज़न बाई एट डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद इंडेक्स लाइन तो इट्स थिकनेस इज़ वो जो एट लाइन थी वो इसके ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर उसके लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मेन uh, स्केल में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी थ्री पॉइंट जीरो एट इसकी थिकनेस सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है ऑल द डिजिट्स ऑल द एकोरेटली नॉन डिजिट्स थर्ड ऑप्शन है ऑल द एकोरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ऑल द एकोरेटली नोन एंड द डाउटफुल डिजिट्स तो सी ऑप्शन जो है ये इसका बेस्ट आंसर है ऑल द एकोरेटली नॉन डिजिट्स तमाम जो अकोरेटली नोन है एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर सी ऑप्शन इसका है अब ये तीन चार क्वेश्चन ये इधर यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म हो गए अब शॉर्ट uh, क्वेश्चन कुछ मैंने सॉल्व किए हैं वट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन बेस क्वान्टीज़ एंड डराइव क्वान्टिटीज़ बेस कोांटिटीज़ और डिराइव क्वान्टीज़ के की क्या डिफरेंस है गिव थ्री एग्जाम्पल्स इन ईच केस तो बेस क्वांटिटीज़ दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हेल्प आस टू फॉर्म अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर कार्ड बेस क्वान्टिटीज़ जिनकी जो बेसिक होती हैं उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं सेवन बेसिक क्वांटिटीज़ हैं लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डिराइव क्वान्टिटी की क्या डेफिनेशन uh, है दोज फिज़िकल कोांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेसड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वान्टीज़ आर कॉल डिराइव क्वान्टीज जिन्हें हम बेस क्वान्टीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस uh, करें उन्हें डराइव कोटिटीज़ कहा जाता है मीन्स उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है कि उनको यूज़ करते हुए हम इनको डिफाइन करें एरिया वॉलीम फोर्स पावर एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशल वेट ये तमाम डिराइव क्वान्टिटीज़ हैं बेसिक क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो नई क्वांटिटी आए दैट इज़ कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग जाउल न्यूटन किलोग्राम हर्ट्ज मोल एम्पियर मीटर कैलवन कूलम एंड वॉट इन में से हमने बेस क्वांटिटीज uh, करनी है तो जाउल जो है uh, ये बेस नहीं है न्यूटन बेस नहीं है किलोग्राम ये बेस है हर्ट्स ये बेस नहीं है मोल ये बेस है एम्पेयर डिराइव क्वांटिटी है मीटर बेस क्वांटिटी है केल्विन बेस क्वांटिटी है कूलम डिराइव क्वांटिटी है वॉट डिराइव क्वांटिटी है नेक्स्ट है फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वाल्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डराइव क्वांटिटीज इन में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज uh, और किस तरह यूज़ हुई हैं वो हमने बताना है स्पीड तो यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड किस किस चीज का यूनिट है मीटर यूनिट ऑफ लेंथ सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम तो लेंथ एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन स्पीड लेंथ और टाइम इन्वॉल्व हुए हैं नेक्स्ट है वॉल्यूम यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब तो मीटर किस चीज का यूनिट है लेंथ का तो लेंथ इज इन्वॉल्व इन वॉल्यूम नेक्स्ट है फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन न्यूटन किस चीज़ के इक्वल होता है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के जी किस चीज़ का यूनिट है यूनिट ऑफ मैस अ, मीटर यूनिट ऑफ लेंथ और सेकेंड स्क्र यूनिट ऑफ टाइम तो इसमें मैस लेंथ एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन फोर्स नेक्स्ट है वर्क यूनिट ऑफ वर्क जुल और जऊल किस चीज़ के इक्वल होता है न्यूटन मीटर के तो न्यूटन की जगह के जी मीटर पर सेकेंड स्क्र लिखा और सात मीटर तो के जी मीटर स्केयर सेकेंड स्केयर हो गया के जी ए यूनिट ऑफ मैथ और मीटर स्क्यर यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड स्केयर है तो यूनिट ऑफ टाइम मैथ लेंथ एंड टाइम आर इन्वॉल्व इन वर्क एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स आपने अपनी एज सेकेंड्स में एस्टिमेट करनी है मैंने नाइन्थ क्लास के बच्चे की एज एस्टिमेट की है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन ईयर स्टूडेंट की एज होती है तो फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी फाइव डेज बनते हैं फाइव सेवन फोर फाइव थ्री सिक्सटी फाइव वन ईयर में डेज़ होते हैं तो फिर एक दिन में ट्वेंटी फोर आर्स होते हैं तो फाइव फोर सेवन फाइव को ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया वन थ्री वन फोर डबल ज़ीरो आर्स बन गए और फिर एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं उसके साथ हमने चौबीस मल्टीप्लाई किया था फिर एक घंटे में सिक्सटी मिनट्स होते हैं तो वन थ्री वन फोर डबल जीरो को सिक्सटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेवन डबल एट फोर डबल ज़ीरो मिनट्स बन गए अभी एक घंटे में साठ मिनट होते हैं तो सेवन डबल एट फोर डबल जीरो मल्टीप्लाई बाय एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं तो सिक्सटी फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेवन डबल एट फोर डबल जीरो मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी तो फोर सेवन थ्री ज़ीरो फोर थाउजेंड सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स वट रोल ऐसा यूनिट्स है प्लेड इन द डिवेल्पमेंट ऑफ़ फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स की डिवेल्पमेंट में ऐसा uh, यूनिट्स SI क्या रोल प्ले करते हैं विद द डिवेलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट सीरियसली फेल्ट ओवर द वर्ल्ड पार्टिकुलरली टू चेंज हमें ख़ास यूनिट्स की ज़रूरत थी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो सकें तो द इलेवेंथ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स हेल्ड इन पेरिस 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम 1960 में ऐसा यूनिट्स किए गए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिस इंटरनेशनल सिस्टम इज़ कॉमनली रेफर्ड एज़ एस यूनिट्स तो इसको कहते हैं ऐसा यूनिट्स वाट इज़ मीन बाई वर्नियर कॉन्सटेंट वर्नियर कॉन्सटेंट से क्या मुराद है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीज़न इज़ जीरो पॉइंट वन एम एम इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इसको लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कहा जाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो होती है वन मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल टेन डिवीजन्स होती है तो ये जीरो पॉइंट वन एम एम और सेंटीमीटर में जब करेंगे तो टेन और पे डिवाइड कर देते जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो क्रेक्शन ज़ीरो एरर से हम क्या मुराद लेते हैं या इससे क्या मतलब है और ज़ीरो क्रेक्शन किसे कहते हैं ज़ीरो एरर जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में मैच ना कर रहे हों तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर वो फिर देखते हैं हम कि पॉजिटिव है या नगेटिव है it is a defect in a measuring device vernier calipers and screw gauge and zero error is caused by an incorrect position of the zero point for example to find the zero error close the jaws of vernier calipers gently if zero line of the vernier, cali vernier scale coincides with the zero of the main scale then the zero error is zero if zero error ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कन्साइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ़ द मेन स्केल अगर मेन स्केल के साथ वो कौनसाइड ना करे ऑन क्लोजिंग द स्पिंडल एंड स्टड ऑफ द स्क्रू गेज इफ़ ज़ीरो ऑफ़ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कन्साइड विद इंडेक्स लाइन देन देयर इज़ अ जीरो एरर इन द मेजरमेंट तब ज़ीरो एरर है अगर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल आपस में उनका जीरो लाइन कौन ना कर रही हो तो <coughs> फिर ज़ीरो एरर है वाई इज द यूज़ ऑफ़ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्यों नेसेसरी है ज़ीरो एरर वैन वी वॉन्ट टू मेक एनी साइंटिफिक मेयरमेंट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फर्स्ट चेक द मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट Whether zero error is present or not. The zero error is the reading displayed when we know true reading should be exactly zero. For example, using a set of vernier caliper, the zero error is the reading that shows when the calipers are fully closed. As long as you check for zero error, you can then use it to correct your readings. So, you can correct it. What is a stopwatch? What is the least count of... मेैनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज इन लेबॉट्रीज़ लेबॉटरीज़ में जो आपने स्टॉप वॉच यूज़ की उसका क्या लिस्ट काउंट था अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेयर द टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट स्टॉप वॉच किस लिए यूज़ होती है टाइम इंटरवल मेयर करने के लिए देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचिज़ मकैनिकल स्टॉप वॉच डिजिटल स्टॉप वॉच अ मकैनिकल स्टॉप वॉच कैन मेयर अ टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम ऑफ़ जीरो पॉइंट वन सेकेंड द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज़ ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड इसका लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट वन सेकेंड है तो नेक्स्ट आती है डिजिटल स्टॉप वॉच डिजिटल स्टॉप वॉचिज़ आर कॉमनली यूज इन लेबोर्टरीज कैन मेयर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज़ वन बाई हंड्रेड सेकेंड या ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड नेक्स्ट है मेथड ऑफ यूजिंग स्टॉप वॉच के स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच फर्स्ट हम मैकेनिकल का देख लेते हैं सेकेंड नंबर पर फिर हम डिजिटल को डिस्कस करेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब उसके ऊपर एक बटन सा लगा होता है डैट इज़ यूज टू विन द स्प्रिंग डैट पावर्स दॉच जोस कि सुइयाँ चलाने के काम आता है इट कैन आल्सो बी यूजड एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रिसेट बटन वॉच स्टार्ट वैन द नॉब इज़ प्रेसड वन जब आप उसे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो उसकी जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी उसकी सुइयाँ घूमना स्टार्ट हो जाएंगी वैन नॉब इज़ प्रेस सेकेंड टाइम इट स्टॉप्स द वॉच जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो उसकी सुइयाँ स्टॉप हो जाएंगी वाइल द थर्ड टाइम प्रेस ब्रिंग द नीडल बैक टू ज़ीरो पोजिशन थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो वो दोनों सुइयाँ ज़ीरो की पोजीशन पे आ जाएंगी मेथड ऑफ यूजिंग डिजिटल स्टॉप वॉच डिजिटल को कैसे यूज़ करना है द डिजिटल स्टॉप वॉच स्टार्ट टू इंडिकेट द टाइम लैप्स एज द स्टार्ट स्टॉप बटन इज़ प्रेस्ड डिजिटल में स्टार्ट स्टॉप बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे स्टार्ट को करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा फिर उसी को प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा एज़ सुन एज इसमें एक ही बटन होता है वो स्टार्ट भी करता है स्टॉप भी करता है

स्मॉल इंटरवल क्यों ज़रूरत पड़ता है या मीन्स दूसरे अल्फाज में पेस्टॉप वॉच की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम क्यों यूज़ करते हैं वी नीड टू मेयर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज स्मॉलर द टाइम इंटरवल मोर विल बी मेजरमेंट प्रिसाइज ये बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल इन अटोमिक क्वान्ट फिज़िक्स रिएक्शंस टेक प्लेस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अटामिक फिज़िक्स में जो है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम केमिकल रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं व्हाट इज़ मीट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट से क्या मुराद है इन एनी मेजरमेंट द दटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है रूल्स नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या क्या रूल यूज़ होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज़ सिग्नीफ़िकेंट नॉन ज़ीरो डिजिट्स को मीन्स वन टू थ्री से ले कर नाइन तक इन्हें आप सिग्नीफ़िकेंट तस्वुर करेंगे ज़ीरो बिटवीन टू सिग्नीफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्नीफिकेंट जीरो जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान फ़ॉर एग्ज़ाम्पल थ्री और फ़ाइव के दरमियान आया है थ्री जीरो फ़ाइव तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट शुमार होगा नेक्स्ट वन इज़ फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट राइट साइड पे अगर डेसिमल के आ रहे हैं जीरोज़ तो वो भी सिग्निफिकेंट उसमें आएंगे जीरोज़ रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर द परपज़ ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट से डेसिमल से लेफ्ट साइड पे जो ज़ीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में एंड लास्ट जो इसका रूल है इन होल नंबर्स डेट एंड इन वन और मोर जीरोज़ विदाउट अ डेसीमल पॉइंट दी ज़ीरोज़ मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते इसमें हमें देखना पड़ेगा इन सच केसेज इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरो सर्व टू लोकेट द पोजिशन वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्टस ऑफ मेयरमेंट इन सच केस एक्सप्रेस द क्वान्टिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन बेहतर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सिक्स थाउजेंड के जी आ रहा तो <coughs> है सिक्स थाउजेंड आ रहा है तो सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन रेज टू पार थ्री कर लें इन सच केस एक्सप्रेस द क्वांटिटी यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन टू फाइंड द सिग्निफिकेंट ज़ीरो क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट थर्टीन हाउ इज प्रिसन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेयर क्वान्टिटी प्रिसीजन कैसे रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ किसी मेयर्ड क्वांटिटी में ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट ग्रेटर द मेयरमेंट विल बी प्रिसाइज अगर जितना सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ज़्यादा है किसी मेजरमेंट में उतना ही वो रीडिंग प्रिसाइज होगी मतलब मीन्स एकोरेट होगी और इतनी स्मॉलेस्ट हमें रीडिंग देगी ई सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीजेज द प्रिसीजन बाई अ फैक्टर ऑफ टेन हर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो टेन के फैक्टर के साथ मींस दस गुना जो है वो हमें प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहा है एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाई यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेयर रिजल्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल द डिजिट्स डैट आर नॉन अकोरेटली ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा कैमरा ब्लर कर गया अकोरेटली एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट मीन्स के अकोरेटली नॉन डिजिट्स और फर्स्ट जो उसमें होगा डाउटफुल डिजिट डेट आर इंक्लूडेड इन मोर सिग्निफिकेंट फ़िगर मीन्स ग्रेटर प्रिसिजन जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज़्यादा जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज होगी एकोरेट होगी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर वन में जितने एम uh, सी और जितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए थैंक यू